हेलो, मैं सुरेश मुदगल सारांश स्टूडियो के फ्लोर नंबर 3 से बॉलीवुड के सभी समाचारों को लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता रहूं। और आज मैं जिस चर्चा के लिए आपके सामने आया हूं, उसका एक सीधा सा मकसद है। प्रचार और प्रसार के लिए हमेशा हिंदी फिल्मों और रीजनल फिल्मों का प्रयोग होता रहा है। आज के वातावरण में जो प्रचार प्रसार का तांडव हो रहा है, वो अपने आप में सकारात्मक ना होकर नकारात्मक है। और इसके नकारात्मक होने के बहुत से कारण हैं। कारण नंबर 1 कि हम अंग्रेजों की गुलामी में इतना रह लिए कि हमारे मानस में, हमारे मस्तिष्क में फूट डालो राज करो की राजनीति घर कर चुकी है। और यही वो कारण है कि एक बार फिर से हमारे देश में जातिवाद का जहर फैलता नजर आ रहा है। आज एक तरफ किसान हड़ताल कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, पक्ष अपनी जीत पे अड़ा हुआ है, तो विपक्ष सरकार को झुकाने के लिए अडिग है। मिथ्या प्रचार का तांडव आज अपने चरम पर है। फिल्म के अलावा अब जो काम हो रहा है वो वीडियो फॉर्मेट पे हो रहा है, वेब सीरीज बन रही है, आश्रम धर्म पर कुटाराघात करता है, तो तांडव हर तरफ से विरोध का शिकार हो रही है। फिल्मकार की सफलता तो यही है कि उसने फिल्म बनाई, उसने वेब सीरीज बनाई और कंट्रोवर्शियल बनाने के कारण उस फिल्म को मुफ्त में प्रचार मिल गया, निर्माता को फायदा हुआ, दर्शक मिल गए, लेकिन उस कंटेंट से जो समाज में जहर फैला वो अपने आप में निंदा का पात्र है। और यही एक सोच फिल्मकारों के मन में आज सफलता का आधार बन चुकी है। इन क्षणिक सफलताओं के पीछे कारण जो भी रहे, लेखक ने जो भी सोचा, निर्देशक ने जो भी बनाया, आज बड़े बड़े स्टार वेब सीरीज में चले गए हैं तो उनको दर्शक मिल गए हैं। सेंसर नहीं होने के कारण उनमें गाली गलौच और सेक्स और धर्म के प्रति आस्था और निरादर के भाव अदल बदल रहे हैं। और यही कारण है कि समाज में विकृतियां फैल रही हैं। तांडव का जो उदाहरण है वो विशेष रूप से इसलिए उल्लेखनीय है कि आज के वातावरण में जहाँ किसान आंदोलन अपना एक वर्चस्व बनाए हैं, हर मीडिया उसकी तरफ भाग रहा है, चैनल के ऊपर इतनी विचारधाराएं आपके सामने आ चुकी हैं कि सोचने को मजबूर होना पड़ता है। इन परिस्थितियों में हम बात करते हैं राजनीतिक पहलू की, क्योंकि हमेशा से फिल्मों ने राजनीति में भी ऐसी फिल्में बनाई हैं जो समाज सुधारक के रूप में काम करती रही हैं। आज किसान आंदोलन को लेकर बहुत से फिल्मकार फिल्म बनाने पे तुले हुए हैं, मीडिया हाउस उसके लिए अलग से शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जनमानस की आवाज़ को वो सभी प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उसमें विचारधारा जहाँ एक तरफ पक्ष और एक तरफ विपक्ष जो कि सार्वभौमिक है, लेकिन इसमें दबी हुई आवाज़ें जो सामने आ रही हैं वो सिर्फ प्रचार के लिए। वो राजनीतिक पार्टियाँ जो अपना प्लेटफॉर्म खो चुकी हैं वो फिर से अपना एक जन आधार ढूंढ रही है। जन आधार ढूंढने के लिए हमारी सामाजिक परिवेश की मान्यताओं को एक ऐसा मुकाम दे देना कि हमारे यहाँ पे धर्म जाति विशेष में आपसी टकराव की स्थिति बन गई। इन टकराव की स्थितियों को सुलझाने का काम एक फिल्मकार करता है, प्रचार प्रसार करता है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सकारात्मक सोच वाला भारत आज कुछ तत्वों के कारण नकारात्मक चीज़ें प्रस्तुत कर रहा है जो कि संपूर्ण समाज के लिए घातक सिद्ध होती हैं। सारांश रूप में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि किस प्रकार की फिल्में बननी चाहिए, वो फिल्में जो हमें एक सही मार्गदर्शन प्रदान करें। आपकी सोच और मेरी सोच में अंतर हो सकता है, फिल्मकारों की सोच आज की प्रासंगिक हो सकती है, लेकिन इन प्रसंगों को क्या हम इस विभत्स रूप में प्रस्तुत करें, तांडव करवाएं, या आश्रम जैसी फिल्में बनाएं, या सेक्सी फिल्में बनाएं, समाज क्या देखना चाहता है ये समाज जाने, लेकिन विचारधारा दर्शक की हम तक पहुंचेगी तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी कि प्रचार प्रसार से सफलता ढूंढने वाले ऐसे फिल्म मेकर समसामयिक फिल्मों को बनाएं, ना कि कोई कंट्रोवर्शियल फिल्म बनाकर हम सबको नकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें। सोच हमारी सकारात्मक होगी तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है
तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।